हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने घी के कुछ फ़ायदे लेके आई हूँ। आप लोग सभी जानते होंगे कि जो पहले ज़माने में हमारी नानी दादी हुआ करती थी, वो लोग किसी भी प्रकार का क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो लोग बस घी से ही अपने फेस पर इतना चमक ले आती थी कि उनके उम्र का पता ही नहीं चलता था। क्योंकि हम लोग जो अभी ये केमिकल युक्त प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, 30 होते होते हम लोग की स्किन डल हो जाती है, स्किन पे लाइनिंग झुर्रियाँ आने लगती है। लेकिन पहले के लोग सिर्फ घी अपने फेस पे इस्तेमाल करते थे। घी हो गया अपने स्किन पे, अपने बालों पे, और उनके बाल भी इतने चमकदार रहते थे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले के ज़माने की जब हम लोग अपनी दादी नानी के देखते थे तो बाल एकदम लंबे लंबे हेयर रहते थे उन लोगों के। उन लोगों का स्किन पे एकदम ग्लो चमक रहता था। तो वो कैसे रहता था वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके लिए बस घी लेना है हमें 2 बूंद, जो आप लोग देख सकते हैं मैंने घी लिया है इसमें, और इसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है। उसको अपने फेस पे आपको मसाज करना है, अभी हल्के हाथों से। आप चाहो तो रोज़ उससे मसाज कर सकते हो। तो अगर हल्दी किसी को सूट ना करे तो आप हल्दी को छोड़ सकते हो, हल्दी ना डालें इसमें। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे मैंने घी लिया, घी के 2 बूंद, ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा, उसमें 1 चुटकी सी हल्दी लिया है, बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी। इसको मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी, आप देख सकते हैं 1 चुटकी हल्दी है। उसको आपको क्या करना है, पहले अपने गले से आपको स्टार्ट करना है। गले से एकदम अच्छे से सर्कुलर ऐसे ऐसे करके आपको लगाना है गले से 10 टाइम। इधर से आप गिन के कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको इस साइड 10, फिर आपको इस साइड से भी 10 बार करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपको यहाँ पे करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आपको ये उंगलियों इसके अंगूठे की मदद से इस तरह से 10 बार करना है। ये जो हम लोगों को डबल चिन की समस्या होती है, इससे उसको आराम मिलेगा। और ये मैं ऐसा फेस मसाज बता रही हूँ जो आप डेली कर सकते हो, इसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो। और इससे तो आप देख सकते हैं मैंने 10th बार इधर से किया और 10th बार इधर से गले में। तो आपको पहले अपने पूरे फेस पर इस तरीके से लगा लेना घी को, जो घी और 1 चुटकी हल्दी है। 1 चुटकी एकदम थोड़ा सा मैंने घी लिया था। अब आपको यहाँ से अपना करना है, वो भी 10th बार, जिस तरह इस तरह ले जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर देना है यहाँ पे लाके। उसके बाद हम इस जगह से ऐसे करेंगे मसाज 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इस तरह से करते हैं, आपको देखना आपका स्किन इतना ग्लो करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा रिलैक्स महसूस होगा आपको अगर आप इस तरीके से करते हो। उसके बाद हमें अपने इसको ऐसे रखना है और इस उंगली की मदद से इसको सर्कुलेशन मोशन में इस तरह से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ना प्रेशर देना आपको, बहुत रिलैक्स महसूस होगा इस तरह से आपको मसाज करने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये ऐसा मसाज है जिसे आप डेली कर सकते हो। यहाँ से फिर हमें ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे आईब्रो की इस तरह से करना है, इससे हमारा आईब्रो ऊपर की ओर जाता है और टाइट बनी रहती है, स्किन यहाँ की लटकती नहीं है। आपको हमेशा ऊपर की ओर अपने फिंगर को लेके जाना है, जिस तरह इस तरह ऊपर से नीचे आना है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जाना है, यहाँ आना है, फिर यहाँ से आपको ऊपर की ओर इस तरीके से करना है। फिर आप ऐसे एप्पल की साइड में इस तरह से पूरा हमारे इस तरीके से करना है। इस उंगली से अगर आप करते हो तो अनामिका जो उंगली होती है, इससे हमारा मसाज करने से प्रेशर कम आता है हमारे स्किन पर और स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। और अगर आप इससे घी से इसका करते हो मसाज, तो आपकी स्किन पूरी गोरी हो जाती है। लास्ट में हम अपने पूरे स्किन को इस तरीके से प्रेशर देके इसको, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें कोई गीला तौलिया लेना है और ये इस घी का इस्तेमाल ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो या किसी भी प्रकार के स्किन हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। बोलते हैं कि ऑयली स्किन है तो घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये गलत है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों का ऑयल जो होता है वो फेस पे ही होता है, उसके अंदर जो मतलब स्किन के जो अंदर है वो ड्राई स्किन रहता है उन लोगों का, लेकिन फेस पे उन लोगों का पूरा तेलिया जैसा हो जाता है, ऑयल हो जाता है, तो उनका स्किन अंदर से ड्राई रहता है, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है ये, किसी के लिए कोई भी नुकसान नहीं होता है इससे। और आप इसे ठंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मी में भी कर सकते हैं। ठंड में कुछ ज़्यादा कर लिया कीजिए, गर्मी में अगर आप डेली इसकी यूज करते हैं तो फिर आप देखना आपके स्किन कितना ग्लोइंग लाइट करेगा और आपका स्किन का कलर भी साफ होगा। जो आजकल मतलब केमिकल वाला युक्त करते यूज करते हैं हम लोग सामान, या बाहर जाते हैं कहीं धूल है मिट्टी है, उससे भी हमारा स्किन डल हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ रात में सोने से पहले इसको 5 मिनट बस मसाज कर लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल हल्का स्टेप है, तो उस तरह से आप मसाज करते हो तो आपका स्किन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एकदम ग्लोइंग हो जाएगा। और हाँ, मसाज रोलर एक आता है जो उससे भी आप मसाज कर सकते हो, मैंने वो ऑर्डर किया, अगर वो आएगा तो मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि वो अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा होगा तो फिर आप लोग उसे यूज करना है, क्योंकि जिसे मसाज बिल्कुल भी नहीं आता है वो रोलर से कर सकते हैं, तो वो आएगा तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों के सामने दूंगी। लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।